यदि आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार आपसे ग्लैंड से रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में, चाहे गल्फ इंटरव्यू हो चाहे इंडिया का इंटरव्यू हो इलेक्ट्रीशियन के लिए। अभी आप ये देख रहे हैं स्टार डेल्टा मोटर है, जिसमें ग्लैंड एंट्री प्लेट का अगर होल की बात की जाए तो इसमें जो होल दिया था, देखिए ये 40 mm का होल दिया था इसमें, जबकि हमारा केवल इसमें ग्लैंडिंग करना है 25 mm का ग्लैंड का साइज से। जैसे कि ये ग्लैंड है तो 40 mm में तो सीधा ये देखिए इतना बड़ा डिफरेंट है, इतना होल में कैसे जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछ सकता है कि अगर ग्लैंड प्लेट में 40 का होल और 25 का ग्लैंड करना है तो उसमें आप कैसे करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि रेड्यूसर लगा के हम कर सकते हैं, जैसे कि हमको इसमें 25 mm का ग्लैंड चाहिए तो जैसे इसमें 40x25 1 inch का रेड्यूसर लगाए हैं, देख सकते हैं। जो रेड्यूसर का आउटर होल है 40 mm है और उसका इनर एम 1 inch यानी कि 25 mm में, देख सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्लैंड इजीली इसमें जाएगा। अब इसमें आसानी से आप एक ग्लैंड को टाइट कर सकते हैं, ग्लैंड का इसको मतलब कनेक्शन इसमें अपना ग्लैंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि केवल है देखिए यहाँ पर ग्लैंड कर सकते हैं। अब ये 3x35 का केवल है जिसमें कि 04 का ग्लैंड यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 04 का FLP ग्लैंड है। तो ये लगभग मतलब इसका ये जो ग्लैंड का होल दिया है वो तो 25 mm का है जो इसका थ्रेडिंग होल है, लेकिन इसका आउटर ग्लैंड का साइज़ के बाद किया जाए तो 28 mm का ग्लैंड है, लेकिन FLP है तो इसमें 04 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्लैंडिंग करने के लिए आप इजीली ऐसे सेप बना के यहाँ पे जिधर से एंट्री है उधर से आप ग्लैंड करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर ग्लैंडिंग का आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है ग्लैंडिंग के ऊपर। उसके साथ और भी यहाँ पे एक सवाल कर सकता है आपसे मोटर से रिलेटेड, ये जैसे कि स्टार डेल्टा मोटर है तो इसमें पूछ सकता है स्टार डेल्टा मोटर में कितना केबल आता है। तो आप बोल सकते हैं इजीली 2 केबल आता है, उसके साथ में 2 अर्थिंग वायर भी आता है ग्लैंड में, हमेशा हर मोटर में लगभग मतलब 2 अर्थिंग वायर तो कंपल्सरी आता ही है। वो उसका किलोवाट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि इसका ये 37 किलोवाट का ये मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 किलोवाट का मोटर, 50 HP का मोटर है, तो इसमें 16 का 2 अर्थिंग वायर डाल के रखे हुए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं अभी आएगा इसके साथ। उसके बाद में ये जो मोटर का टर्मिनल है, टर्मिनल से रिलेटेड भी सवाल आपको पूछ सकता है, जैसे कि स्टार डेल्टा का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है E1 V1 W1, तो यहाँ पे आपको RYB सेम इसी के सामने आप देखिए, अब इधर से फिर U2 V2 W2 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो फिर सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर इधर से V2 U2 और यहाँ पर W2, यानी कि ये W2 और W1 ये एक कॉइल है, W1 और W2 एक कॉइल है, और उसके बाद में ये देखिए ये V2 और यहाँ पे V1 ऐसे क्रॉस में, ये दोनों एक कॉइल और एक क्रॉस सेक्शन में एक कॉइल है, यानी कि मोटर के अंदर 3 कॉइल होता है, ये 3 कॉइल है। तो इसमें हमको क्या करना है, फेस डिफरेंस करके इसका कनेक्शन करना है, यानी कि एक कॉइल में एक ही फेस दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E1 हो गया और यहाँ पे E2 हो गया, अगर यहाँ पे R दे देंगे यहाँ पे R दे देंगे तो वो हमारा मोटर नहीं चलेगा, फिर वो स्टार डेल्टा में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि RYB इधर दे दिए, फिर इधर से RYB इधर दे दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए अभी जो हमारा फर्स्ट वाला E1 का कॉइल है और उसका ये जो दूसरा वाला इसके सामने है, R तो देंगे लेकिन W2 का कॉइल है, तो ये दूसरा कॉइल है, तो इसमें एक कॉइल में आपको मिल गया क्या, इधर R मिल गया और दूसरा जो यहाँ पे Y देंगे तो E1 और E2, तो यहाँ पे R मिल गया तो यहाँ पे Y मिल जाएगा, यानी कि फेस डिफरेंस हो गया RY, अब फिर यहाँ पे Y देंगे तो इसको यहाँ B मिल जाएगा, तो Y और B इसको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे R दिए, यहाँ पे जो दूसरा केबल का R है तो दूसरा केबल का R यहाँ पे दिए तो इसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। तो इस तरह से फेस डिफरेंस हो गया, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन ऐसा है, मतलब ये कॉइल में दोनों सिमिलर फेस नहीं आना चाहिए, जैसे कि एक ही कॉइल है जैसे ये W1 और W2 का, तो इसमें दोनों में R नहीं आना चाहिए, अगर इधर R है तो इधर Y है ब्लू है ऐसा। और भी आप कर सकता है कि अगर मान लीजिए स्टार डेल्टा मोटर का रोटेशन चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, रोटेशन चेंज करने के लिए सिंपली आपको जैसे कि RYB यहाँ पर दे दिए, यहाँ पे दूसरा केबल का RYB दे दिए, तो उसमें क्या करता है, अगर यहाँ पे दोनों का वायर चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये R है यहाँ से उठा के
ये वाई की जगह पर डाल दिए वाई को यहाँ पे, फिर इसका भी सेम आर उठा के यहाँ पर डाल दिए वाई उठा के यहाँ पे, वाई आर बी हो जाएगा, फिर इसका भी वाई आर बी ऐसे दोनों का चेंज करना पड़ेगा, फिर मोटर का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, रोटेशन आपको चेंज हो जाएगा अगर मोटर से मतलब करना है तो, नहीं तो आप वहाँ से पैनल साइड से भी कर सकते हैं। और ये FLP में क्या होता है कि काफ़ी बार काफ़ी दिक्कत होता है जो प्लेट का ढक्कन खोलने में, तो कितना बार में वहाँ पे पैनल से ही चेंज कर लिया जाता है, लेकिन कहीं पे रिक्वायर नहीं होता है तो फिर मोटर से करना पड़ता है। मोटर का पूरा डिटेल देखने के लिए आपको ये नंबर प्लेट पर आना पड़ेगा, पूरा डिटेल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मशीन नंबर है और ये कितना किलोवाट है, कितना HP का, यहाँ पर 37 किलोवाट 50 HP का, वोल्ट कितना लेगा 415 ए वोल्ट लेगा प्लस में, और इसका एम्पियर रेटिंग डेल्टा में अगर चलेगा तो कितना लेगा, ये 68 एम्पियर लेगा। उस तरीका से यहाँ पर इसका पूरा डिटेल, यहाँ पर कितना KG का है, कितना वेट है, कितना RPM है, RPM आप देख सकते हैं 1470 यानी 1470 एम्पियर। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये 1470 बार घूमेगा। इस प्रकार से और भी इलेक्ट्रिकल नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।